हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं प्रदेश भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी श्रमिकों को लगातार उनके गृह राज्य भेजने का काम जारी है और इसी क्रम में तावड़ू में बड़ी तादाद में प्रवासी श्रमिकों को भेजा जा रहा है। 105 प्रवासियों को भेजा जा रहा है और रोडवेज की बसों में उनको ले जाया जा रहा है। 4 बसें हैं जिनमें ले जाया जा रहा है उनको, यूपी के बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के 28 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की एक बस में बैठाकर रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जहां ट्रेन से उन्हें उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को रवाना करने से पहले प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जाँच की। इसके अलावा प्रशासन ने रास्ते में खाने के लिए मजदूरों को खाना भी उपलब्ध कराया। जो है ना प्रवासी लोग गए हैं। कहाँ के हैं सर ये? उत्तर प्रदेश के हैं सारे जो आज गए हैं। इनको हमने मेडिकल करा के सैनिटाइज वगैरह, मास्क, खाना, चाय वगैरह सब कुछ करा के और इनके गंतव्य स्थान तक हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार बुलंदशहर के अंदर भेजा जा रहा है और वहाँ से उनकी सरकार इनके अपने अपने गंतव्य स्थान पर भेजे।